सदवी फेल इंसान दुनिया का सबसे सफल और अमीर इंश्योरेंस एजेंट कैसे बन गया? जिस आदमी को अंग्रेजी बोलना नहीं आता, कभी कॉलेज नहीं गया, फिर वो आखिरकार कैसे सबसे सफल और अमीर बीमा एजेंट बन सकता है? दोस्तों, इस वीडियो मिलवाऊंगा आपको ऐसी शख्सियत से, बताऊंगा आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कभी हाई स्कूल पास नहीं हुआ, अंग्रेजी बोल नहीं आती, कैसे इतना सफल एजेंट बन गया। और सिर्फ उनके बारे में नहीं बताऊंगा, उनके जो सफलता के मंत्र हैं, जो 12 काम वो रोज करते हैं, उनमें से मैंने 7 निकाले, 7 पॉइंट निकाले आपके लिए। अगर आपने उनको समझ लिया, मैं आपको लिख के गारंटी देता हूं वो 7 के 7 पॉइंट आपके इंश्योरेंस करियर को चांद चांद लगा देंगे। आप एमडी आप छोड़ो, आप टीओटी चले जाएंगे। इतना जबरदस्त वीडियो है आपके लिए, बता रहा हूं, क्योंकि एक कहावत है, अगर जिंदगी में सफल होना है तो सफल लोगों को सुनो, और असफल होना है तो आप समझदार हैं, असफल लोगों को सुने, क्योंकि आपको सफल होना है। इसलिए दुनिया में जो सबसे सफल और अमीर एजेंट है उसकी केस स्टडी आपको शॉर्ट बता रहा हूं। क्या बताऊंगा उनके बारे में, क्या नाम है, क्या बैकग्राउंड है, उनकी अचीवमेंट्स क्या है, और फिर वो 7 पॉइंट, एक एक पॉइंट इतना जबरदस्त है कि बस एक ही पॉइंट आपने पकड़ लिया तो आपका उद्धार हो जाएगा। जिसमें 3रा, 5वां और 7वां पॉइंट है उसके तो कहने ही क्या मेरे भाई, एक बार इस्तेमाल करना है। इसलिए जोश में हूं क्योंकि मैंने खुद उनको पढ़ के, मैं उनको पढ़ रहा हूं 1 हफ्ते से, और मेरे अंदर इतना जोश आ गया उसको, अरे भाई क्या बंदा है, अब क्या तैयार है। अगर तैयार है तो दोस्तों, अगर आप पहली बार है, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है रवि यादव, फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम, और मेरा एक मिशन मुझे इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख एमडीआरटी क्रिएट करने। कैसे क्रिएट करूंगा? उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस देखिए, उनके अंदर सेलिंग स्किल सिखा के, फोन कॉल कैसे करते, मीटिंग कैसे करते, क्लोजिंग कैसे करते, और गेम में लगातार कैसे टिका रहा जाए, बिजनेस माइंड को डेवलप करा के, ये सब करने वाला हूं। अगर आप पहली बार है, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। इतना जबरदस्त वीडियो मेरे दोस्तों, मैं खुद एक्साइटेड हूं। बात करते हैं ये जो बंदा है इसका नाम क्या है और बैकग्राउंड क्या है। पहला पॉइंट, इनका नाम है दोस्तों गिडेन डू। आपको नाम याद करने जरूरत है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इनका जन्म भारत में हुआ। भारत की दोस्तों जो भूमि है वो वीरों और सफल और सपूतों को जन्म देती है, और आप हम सब भारतीय हैं, तो इस बार बोलो भारत माता की जय, आई एम इंडियन। यस दोस्तों, इनका जन्म भारत में हुआ, और उसके बाद में इनकी सुनिए असफलता की कहानी। ये बचपन से टीचर बनना चाहते थे, अध्यापक बनना चाहते थे, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ क्योंकि हाई स्कूल में फेल हो गए। अब जब आदमी कक्षा 10 फेल हो जाएगा, फेल किस में हुए? अंग्रेजी में। तो जब 10 आदमी कक्षा पास नहीं होगा तो कैसे टीचर बन जाएगा? तो दोस्तों, टीचर बनने का सपना टूट गया। अब जब कक्षा 10 आदमी फेल है तो कोई नौकरी भी नहीं देगा, कुछ आता ही नहीं है तो नौकरी कौन देगा? तो नौकरी भी नहीं मिली, बिजनेस करने के लिए पैसा है नहीं, तो फिर क्या काम मिला? पोस्टमैन बन गए, डाकिया आया, डाक बग याद है, पोस्टमैन चिट्ठी लाया, डाकिया बन गए, वहां भी दोस्तों बात नहीं बनी। उसके बाद क्या हुआ? बैंक में बन गए क्लर्क। वो क्लर्क नहीं जो सरकारी दफ्तर बैठता है, वो क्लर्क जो किसानों के यहां जाते थे खेतों में, और वहां किसानों को बैंक के कुछ होते हैं प्रोडक्ट, जिसे होता है ना क्रेडिट कार्ड होता है किसानों के लिए, अलग स्कीम होती है, वो स्कीम ले जाके बेचते थे बैंक वालों को, और जब बेचते थे तो पैसा मिलता था, यानी कमीशन बेस काम था। और वहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मुकाम लिया और टर्निंग पॉइंट हो गया, यूटर्न हो गया एकदम। वो यूटर्न क्या था? बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात को मेरे भाइयों, ध्यान से सुनो। क्या यूटर्न था? किसी ओल्ड म्यूचुअल जिसका टाइप कोटक लाइफ से था, 2017 में टाइप खत्म हो गया, ओल्ड म्यूचुअल बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, उसने इनको देखा किसी आदमी ने और उनका टैलेंट को पहचान लिया, और उसने ओल्ड म्यूचुअल का इनको एजेंट बनवा दिया। बस आप लोग जब एजेंसी लेते हो तो सोचते हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं, उन्होंने उसको एजेंसी लिया, और उसके बाद में वो हाई स्कूल फेल क्लर्क पोस्टमैन के बाद कभी वापस नहीं देखा, पूरी जिंदगी बदल गई। अब सुनिए उनकी अचीवमेंट, और फिर देने वाला हूं 7 गुरु मंत्र, जिसमें 3रा, 5वां और 7वां तो मेरे भाई गेम चेंजर है, सुन लेना, सुन के तुरंत इस्तेमाल करना। मैं खुद बहुत जोश में आ गया उसने, इसलिए बता रहा हूं बहुत ध्यान। पहला पॉइंट अचीवमेंट सुनिए, ये साल में 7 करोड़ कमाते हैं टैक्स हटा के, महीने का 60 लाख रुपए, दिन के 2 लाख, रोजाना 2 लाख रुपए कमाते हैं, 2 लाख रोज। यहां तो साला एमडी आरटी हो गया तो हमसे बड़ा कोई है, सीओटी हो, अगर गलती से टीओटी हो गया, रिस्पेक्टेड इनकम है टीओटी की, मैं समझता हूं, लेकिन 2 लाख रुपए रोज कमाते हैं। दूसरी बात, इनका एक रिकॉर्ड है,
रोजाना दो नई पॉलिसी क्लोज करते हैं, दो नए लाइफ लोग, दो नए लाइफ को इंश्योर करते हैं। साल में 700 पॉलिसी बेचने का रिकॉर्ड है जब से बिजनेस शुरू किया, कोई तोड़ नहीं पाया। 28 साल से नंबर वन है अपने इंडस्ट्री में, कोई इनके बराबर नहीं है। और संडे को पूरा दिन कुछ नहीं करते, सिर्फ गोल्फ खेलते हैं। इतना सब काम करने के बाद इनके पास टाइम भी है, और यहां लोग थोड़ा काम करते हैं बोलो कष्ट, ये इनकी अचीवमेंट है लाइफ की। अब आते हैं उस मुद्दे पे जिसका आपको इंतजार था। रवि जी वो पॉइंट बताओ, वो 7 गुरु मंत्र बताओ। यस, मैं इसलिए इतने जोश से बोल रहा हूं ताकि इनका मंत्र को जो बताने वाला हूं 7 पॉइंट, बस पकड़ लेना मेरे भाई और पकड़ के काम पे लग जाना। सोचना मत, वापस आ जाओ, क्योंकि मैं दोस्तों फुल जोश में आ गया हूं आपके लिए। पॉइंट नंबर 1, 7 गुरु मंत्र। पहला पॉइंट, वेक अप टू गेट व्हाट यू वांट। लिख लीजिए, वेक अप टू गेट व्हाट यू वांट। इसका हिंदी में क्या मतलब है? उठो जागो, जो कुछ जिंदगी में पाना चाहते हो उसके लिए। क्या मतलब है इस बात को समझो। बिस्तर छोड़ो, नींद को त्याग भाई, काम पे लग जा। सोचना बंद कर दे, उठा बस्ता, उठा फोन और काम पे शुरू हो जा। बातें बंद, काम शुरू। यहां लोग घर से 11 बजे ही करते हैं। ये इनका मंडे सुबह 5:30 बजे, कितने देर हेलो, सुबह 5:30 बजे मंडे ये काम पे होते हैं। मंडे 5:30 इन द मॉर्निंग काम कर रहे हैं, मतलब क्या है? उठते कितने बजे होंगे? 4 बजे। वेक अप, उठ भाई, उठ और काम पे लग जाए। यहां लोग, आप शीशा देखिए, आप घर से कितने टाइम निकलते हैं, आप कितना काम करते हैं। पहला काम है उठो, काम पे लग जाओ मेरे भाई, सोचना बंद। दूसरा पॉइंट, गेम चेंजर पॉइंट, दिन में 6 से 8 लोगों से फेस टू फेस मीटिंग करते हैं, मुलाकात करते हैं। कितने बोलो मैंने? 6 से 8 मुलाकात, मीटिंग फेस टू फेस, जहां पे इंश्योरेंस बिजनेस प्रपोजल के बारे में बात करते हैं, फालतू की बकवास नहीं करते। सवाल ये है, क्या आप दिन में 6 लोगों से मिलते हैं? क्या आप दिन में 8 लोगों से मिलते हैं? कितने लोगों से मिलते हैं? वो कोल्ड कॉलिंग नहीं कि आप कोल्ड कन्विंसिंग, नहीं, जिनके साथ इनका अपॉइंटमेंट सेट है। कोल्ड कन्विंसिंग करके आप आ गए 100 लोगों मिलके, वो तो आप कोल्ड कन्विंसिंग कर रहे हो। मीटिंग किसके साथ होगी? इसे बोलते हो फोन करके मीटिंग करके बुक कर रहा है। 6 से 8 आप ही कितनी मीटिंग होती है? जिस दिन आपने 3 मीटिंग करी होती है, आप चौड़े फूल के कुप्पा हो जाते हो। ये 6 से 8 मीटिंग रोज करते संडे छोड़ के, इसीलिए दिन में रोज 2 लाख रुपए कमाते हैं। आप भी कमा सकते हो। क्या है चैलेंज? स्वीकार करोगे मेरा? स्वीकार करोगे चैलेंज? अगले आज के बाद से दिसंबर तक कम से कम 5 मीटिंग करना है, चाहे जो मर्जी हो, 5 मीटिंग करना है तो करना है। 6 से 8 मीटिंग रोज करते हैं। अब तीसरा पॉइंट गेम, 7 के 7 पॉइंट गेम चेंजर। पर ये जो तीसरा पॉइंट है, ये आपकी पॉलिसी लिखवाएगा। क्या है? बहुत ध्यान से सुनो, पूरा फोकस इधर इधर, मिश्रा जी, शुक्ला जी, वर्मा जी, शर्मा जी, इधर पूरा फोकस देखिए, इधर वहां कुछ नहीं है, पान पान में खाना, इधर सुनिए। पीपल डू नॉट बाय पॉलिसी, पीपल बाय पीपल। क्या बोला मैंने? वाह, क्या पॉइंट है मेरे भाई। पीपल डू नॉट बाय पॉलिसी, पीपल बाय पीपल। लोग पॉलिसी नहीं खरीदते, लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग आपको खरीदते हैं। मतलब क्या है? आप कैसे हो, आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप कितने ईमानदार हो, आप कितने सफाई से रहते हो, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, ये सब लोग देखते हैं। और वही देखने बाद आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपके ऊपर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बोलते हैं ये लो सर चेक और मैं आपसे पॉलिसी खरीदता हूं। लोग पहले आपको देखते हैं, आपको खरीदते हैं। इसलिए बोलता हूं अपने ऊपर काम करो, चंपूलाल नहीं बनना, चैंपियन बनो, और चैंपियन बनने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तीसरा गेम चेंजर पॉइंट है, अगर है यस नो लिख लीजिए। पीपल बाय पीपल, पीपल डू नॉट बाय पॉलिसी। मेरे भाई समझने की प्रयास करो, कितना शानदार बात। चौथा पॉइंट सुन लो, कर लो सुन लो, मजा आ जाएगा। ये अपने टाइम को और प्रायोरिटी को मैनेज करते हैं। क्या बोला मैंने? मैनेज योर सेल्फ एंड योर टाइम एंड प्रायोरिटी। मतलब क्या हुआ? प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं क्या करना है, कल क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है, इसकी पूरी प्लानिंग करते हैं। क्या आप अपने बिजनेस की प्लानिंग करते हैं? क्या अपने बारे में सोचते हैं कल क्या करूंगा, इस हफ्ते क्या होने वाला है? क्या आप समय निकाल के अपने ऊपर कुछ काम करते हैं? यस नो? अभी ये समय जो बता रहा हूं, ये अपने अंदर झांकने का है कि मैं करता हूं, क्योंकि ये 2 लाख रुपए रोज कमाते क्यों है? ये सब काम करते हैं, आप भी कमा सकते हैं, पर ये काम करना शुरू कर दीजिए, प्लानिंग शुरू कर दीजिए। ये 3 पॉइंट है, तीसरा हो गया, 5वां आने वाला है, और 7वां पॉइंट आपकी गेम बदलेगा। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, बस कर लीजिएगा, उसके बाद करना। 5वां पॉइंट सबसे शानदार पॉइंट, जो मैं कब से कैसा चला आ रहा हूं, क्या है? पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। सेलिंग इज नॉट टेलिंग।
सेलिंग इज नॉट टेलिंग, सेलिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग व्हाट पीपल वांट बाय आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस. फिर बोल रहा हूं, सेलिंग इज नॉट टेलिंग, सेलिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग व्हाट पीपल वांट बाय आस्किंग द लॉट ऑफ क्वेश्चंस. का मतलब क्या है दोस्तों? बेचने का मतलब सिर्फ अपना प्लान बताना नहीं है, पूछिए, पता लगाइए कि लोग चाहते क्या है और उनको उनकी प्रॉब्लम का समाधान दीजिए, जिसको बोलते सवाल पूछ के. और मैं कब से कहता हूं दोस्तों, सवाल पूछो, सवाल पूछो, सवाल पूछ के पता लगाओ कैसे बंदा क्या चाहता है, सही पता लगाओ. उसके बाद में पॉलिसी मत बेचो, अपने पॉलिसी के रूप में उनको समाधान बेचो, काम बन जाएगा, पैसे भी आएंगे, जिंदगी टनाटन हो जाएगी. यही सवाल पूछने कला ये सीखनी पड़ेगी. और इसी दोस्तों अभी छठवां पॉइंट आने वाला, उसके पहले जो फोन टू फॉर्च्यून मेरा सिस्टम है, फोन टू फॉर्च्यून ट्रेनिंग, उस सिस्टम के अंदर सबसे खास बात क्या है, मैं आपको फोन कॉल करना भी सिखाता हूं, मैं सवाल कैसे पूछते ये सिखाता हूं, और सवाल पूछ के पॉलिसी कैसे चिपकाते नहीं है, समाधान कैसे देते हैं सिखाता हूं, डेवलप कराता हूं फोन टू फोर्च सिस्टम के अंदर हिंदुस्तान का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम. क्यों? क्योंकि मेरा मिशन है. उसका भी ऑफर आपको नीचे लिंक दिया, जाके कि दो पिज्जा खाओगे पैसे खत्म हो जाएंगे, बहुत कम पैसे लेने दोस्तों, केवल आपका टाइम, 90 दिन मेरा सिस्टम फॉलो कर देखिए, आपकी इनकम बदलना शुरू हो जाएगी. नीचे लिंक दिया है, जस्ट गो एंड क्लिक एंड बाय, और यू कैन क्लिक ऑल्सो, यू कैन टॉक टू माय टीम, जो नंबर आ रहा है वो बात कर लीजिए और जुड़ जाइए फोन टू फोर सिस्टम में. अगर इस बिजनेस कुछ खास करने का इरादा, छठवां पॉइंट बहुत शानदार पॉइंट है. क्या छठवां पॉइंट है? एजुकेट योर सेल्फ, अपग्रेड योर सेल्फ, इवॉल्व योर सेल्फ. मतलब क्या होता है? अपने आप को निखारते रहो, अपने दिमाग में काम करते रहो, अपने एजुकेशन को बढ़ाते रहो और अपने आप को लगातार सिखाते रहो. ये आज दिन के 2 लाख रुपए कमाने के बावजूद 28 साल से नंबर वन है, शानदार बिजनेस है. ये कहते हैं आज भी मैं सीखता हूं, आज भी नई नई बातें सीखता हूं, पढ़ता हूं. क्यों? जो नहीं सीखेगा मर जाएगा. मरेगा वही जो सीखेगा नहीं, जो सीखता रहेगा वो हर मार्केट में चैलेंज कर जाएगा. क्या आप सीखते हो? क्या आप लर्निंग करते हो? क्या आप नोट्स बनाते हो? क्या आप अभ्यास? ये सब क्या है? आपको आईना दिखाने के लिए कि आप क्या करते हो और कहां पहुंचना चाहते हो. इसलिए लर्निंग करना, आप वीडियो देख रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप सीख रहे हो, लेकिन साथ ही साथ नोट्स बनाइए और लर्निंग रोज आधा घंटा एक घंटा अपने ऊपर लर्निंग के ऊपर काम कीजिए. मैं वीडियो बना पा रहा हूं, 7 दिन से इसके ऊपर बात कर रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं, जितना हो सका उतना आपको कम से कम समय में देने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, झोंक दिया आपके लिए. अब आ जाइए 7वां पॉइंट, सबसे गेम चेंजर पॉइंट, लास्ट पॉइंट. एलिफेंट डू नॉट बाइट, मॉस्किटोज डू. क्या बोल रहा हूं? एलिफेंट डू नॉट बाइट, मॉस्किटोज डू. मतलब क्या है समझो इसका हिंदी में. बड़ी बड़ी चीजें लाइफ में परेशान नहीं करती हैं, छोटी छोटी चीजें परेशान करती हैं. हाथी बड़ा होता है, कभी हाथी काटता नहीं है, पर मच्छर बैठते ही काटेगा, डंक मारेगा, छोटा है. क्या होता है जिंदगी में, आपके जो बड़े सपने, जो बड़े लक्ष्य, जो बड़े गोल है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम क्या है? जो आपकी जिंदगी में छोटी मोटी रोजमर्रा की समस्याएं हैं, जो आप जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को करते नहीं हो. जैसे कि आपको पता है एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप नहीं करते हो. आपको पता है मुझे अपने गोल लिखने चाहिए, आप नहीं करते हो. आपको पता है मुझे फोन कॉल करनी चाहिए, आप नहीं करते हो. आपको पता है मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, करना चाहिए पता है, लेकिन आप करते नहीं हो. यही छोटी छोटी चीजें आपको मच्छर की तरह नोच रही है, काट रही है, जिंदगी में परेशान कर रही है. पैसे की प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम, लेकिन आप सुधर जाओ तब काम बन जाएगा. यानी बड़ी चीजें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगी, छोटी छोटी प्रॉब्लम, छोटी छोटी, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कह दिया, मुझे बुरा लग गया, उसने मेरा मजाक बना दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने नो बोल दिया, उसने डिस्काउंट मांग लिया, सब कुछ, ये सब छोटी छोटी बातें हैं. इनको समझना सीखो, इनसे डील करना सीखो. बड़ा सपना वही पाएगा जो छोटी छोटी बातों डील करने के बाद आगे बढ़ेगा. दोस्तों 7 पॉइंट बता दिए, एक बार फिर से रिपीट कर. नंबर 1, वेक अप टू गेट व्हाट यू वांट, स्टार्ट. नंबर 2, 6 से 8 लोगों से रोज मिलना है, रोज मिलते. नंबर 3, पीपल डू नॉट बाय पॉलिसी, पीपल बाय पीपल. नंबर 4, मैनेज योर सेल्फ, मैनेज योर टाइम, बिकॉज जब तक अपने आप को मैनेज नहीं कुछ हो रहा. नंबर 5, आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, फाइंड व्हाट पीपल वांट एंड प्रोवाइड द सॉल्यूशंस व्हाट पीपल वांट. नंबर 6, अपने आप को अपग्रेड करो, एजुकेट करो, अपनी कुल्हाड़ी के धार को मजबूत करो. और नंबर 7, छोटी छोटी बातों से डील करना सीखो. बड़ा फोकस जहां कर रहे हो उसकी लगे रहो. दोस्तों उम्मीद करता हूं बड़ा शानदार टॉपिक दिया है. अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो अपने 5 दोस्तों पहुंचाइए, भेजिए, और हर एक उस एडवाइजर जो बनना चाहता है, जो इस इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता है, उसको भेजिए. आप यूट्यूब में जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच. अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे फोन टू फोर सिस्टम से, मेरे मिशन से, नीचे लिंक दिया है. 2 पिज्जा खाओगे पैसे खत्म हो जाएंगे, आपका समय मांगना दोस्तों गेम बदल जाएगा. आप इस तरह प्यार देते रहिए, टेक केयर, सब्सक्राइब कर लीजिए. धन्यवाद.